नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभ समाचार का लगाकर सुनो, कल शनिवार सुबह 9 बजे दुर्गा माँ के मंदिर के सामने वाली कोठी में नए सामान सस्ता अनाज शौकारी भंडार खुल रहा है। हर खास आम को आने की दावत है। हाँ जरूर जरूर, इस नेक काम में कौन नहीं आएगा। क्या कहा बे हराम के ढक्कन, कल से काला बाजारी करने वालों का दीवाला और मिलावट करने वालों का मुंह काला। अबे मुंह काला होगा तेरी अम्मा की कसम का, जाना जाना जाना। एक तो सहकारी दुकान खोलकर इन बेचारे को भिखारी बनाने का चक्कर चला रहा, ऊपर से ढोल बजाकर इनको जलाकर इनके कलेजे का कबाब बना रहा। अरे कबाब बने या जिल्लाब बने, मैं तो गांव की भलाई के लिए चिल्लाऊंगा ही। अरे गांव की भलाई तो होगी मगर इनके धंधे की धुलाई हो जाएगी। हैं? तू यहाँ चिल्लाकर इनकी धोती क्यों गीली कर रहा है? अरे मैं इन्हीं के लिए तो ढोल बजा रहा हूँ। चुप ढोलकी के, तू मेरे लिए क्या ढोल बजाएगा बे? क्यों नहीं बजाऊंगा? अरे जिस दिन तुम लुढ़क जाओगे तो तुम्हारी आरती को कंधा देने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं ढोल बजाने जरूर आऊंगा। अबे दो पैसे के ढोलक पीटू, तूने मेरे मालिक को इतना गिरा हुआ समझ रखा है, इतना कमीना समझा है, इतना जलील समझा है, खुजली वाला मरा हुआ कुत्ता समझ रखा है। कितनी गालियां दे रहा है? मैं आपको गालियां नहीं दे रहा हूँ मालिक, मैं तो आपकी वकालत कर रहा हूँ। अब थोड़े दिन ठहर जा, एक बार मेरे सेठ को मरने दे, फिर देख मजा। ये ढोल क्या, शहर से बैंड मंगवाऊंगा, अरे सारे गांव को नचवाऊंगा, ऐसा शानदार जुलूस निकलवाऊंगा कि सारा हिंदुस्तान देखता रह जाएगा कि ये मरा कोई सेठ, सेठ जी कैसी रही। बासी खिचड़ी के सड़े हुए कीड़े, एक तो मेरे मरने की दुआएं मांग रहा है, ऊपर से मुझसे ही ताली मांग रहा है। गिरगुट की औलाद, बिना पिंडे के लोटे, चल अंदर, अभी लेता हूँ तेरी खबर। और तू क्या रे, तू मेरे लिए ढोल बजाएगा? ढोल बजाएगा साले, ढोल बजाएगा। भाई और बहनों, हमारे गांव में सहकारी भंडार खोलने के बहुत से कारण हैं, और खास कारण तो ये है कि कुछ लोगों की दुकानों में होने वाली बेईमानी, कालाबाजारी और मिलावट को खत्म करना है। ठहरिए जी, आपने इल्जाम तो थोप दिया कि कुछ लोगों की दुकान में कालाबाजारी और मिलावट होती है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सहकारी भंडार में कालाबाजारी और मिलावट नहीं होती है? इसका जवाब मैं देता हूँ। हाँ तो मिलावट उनके वहां होती है जिनकी नीयत में मिलावट हो, जिनके ईमान में मिलावट हो, जिनके नाम में मिलावट का शब्द होता है, यानी कि तुम मिलावट राम, तुम्हारे वहां मिलावट होती है। ये तो सीधा आपके मुंह पे कीचड़ उछाल कर आपका मुंह काला कर रहा है। किसने देखा हमारी दुकान में मिलावट होते हुए? मैंने देखा है। बे बे बे, किसने देखा है दुकान करते हुए? नहीं, मतलब मिलावट करते हुए। अरे देखने की क्या जरूरत है, अंधे से भी पूछो कि मिलावट कहाँ होती है, वो सीधा मिलावट राम की दुकान पहुंचा देगा। हे राम, हे राम। सारा गांव सारा देश जानता है कि मिलावट का गढ़ मिलावट राम की दुकान है। देखो, देखो तुम बहुत बढ़ चढ़ के और सरहद तोड़ के बातें कर रहे हो। अरे सरहद तोड़ के क्या, मेरा बस चले ना, तुम्हारी खड़ी हुई सैंडी काट के तुम्हें काला पानी भेज दो। काट दो, तुम्हारे भाई ने मेरा धंधा काट के मुझे दुकान से बाहर निकाल दिया, तो मेरी सैंडी काट के मुझे गांव से बाहर निकाल दो, तुम्हारे बाप का नाच है ना। अबे ओ मिलावट के बच्चे, ये क्या बदतमीजी है, बड़ों के साथ इस तरह पेश आते हैं? ये काहे का बड़ा भैया, ये सिर्फ बेईमानी में बड़ा है। मुझे फजूल की बकवास नहीं चाहिए, जाओ ऐसे, मैं कहता हूँ तुम जाओ ऐसे। साला तेरा बाप साला। मिलावट राम जी, मैं रवि की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। माफ कर दिया आपकी तरफ से किया ना भाइयो। अब मैं लक्ष्मी बेटी से गुजारिश करूंगा कि वो सबसे पहले ग्राहक को अपने हाथों से माल दें, आप मेहरबानी करके कतार में खड़े हो जाइए। हमारा धंधा चौपट करके हमारी छाती पर मूंग डल रहे हैं, अब देखना मैं इनका कलेजा कैसे छलनी करती हूँ। क्या चाहिए बहन? दीदी मुझे 1 किलो शक्कर चाहिए जी। हाय 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 हाय, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे जिस दुकान का उद्घाटन इस मनोज औरत के हाथ से हुआ है वो दुकान कभी नहीं चल सकती। अरे ये बांझ है, बांझ मनोज है। अरे दुकान का उद्घाटन इस बांझ के हाथ से किया। ठीक हो लक्ष्मी, ये क्या, एक बेवकूफ जाहिल औरत की बातों पर इतना अफसोस कर रही हो, आंसू बहा रही हो? अरे तुम तो पढ़ी लिखी औरत हो,
इस तरह लोगों के तानों पर दिल छोटा करोगी तो जिंदगी सुकड़कर छोटी हो जाएगी। अरे बाबा, यहाँ तो इस पूरी दुनिया को पैदा करने वाले भगवान को लोग भला बुरा कहते हैं, उसे गालियां देते हैं, ऐसी बातों पर क्या ध्यान देना। चलो आंसू पोंछो और मुस्कुराओ। अबे सो गए कह रहे? अरे जब अपना धंधा ही सो गया तो मैं जाके क्या करूं? देखो लुका पट्टा, एक तो टांग पटांग डाला, ऊपर से हिला भी रहा है। ये मेरी टांग है, मैं इसको हिलाऊं या नचाऊं तुमसे मतलब है? और नहीं हिलाऊंगा तो लोग मुझे मरा हुआ समझ के शमशान घाट में पटक आएंगे। आपको नहीं मालूम ये गांव वाले किस बुरी तरह से हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं? वहां लाइन लगी, दुश्मनों की नगरी कितनी आबाद है, मेरी दुकान कब्रिस्तान की तरह बर्बाद है। अबे देख वो दुकान देख, कितनी भीड़ है। अपनी दुकान में तो महीने भर में भी इतने लोग जमा नहीं हुए जितने वहाँ पर जमा हुए। ओह क्या मेला लगा है, लगता है दूसरे गांव के लोग भी वहाँ पर आ गए। क्यों ना हो भाई, जब असली चीज हो सस्ती हो तो भीड़ तो लगेगी ही, और पछतावे क्या होता है जब मिलावट की चिड़िया चुक गई खेत। अबे नमक हराम, मैं तेरा मालिक हूँ, मालिक की बर्बादी पे ऐसा गाना गाया जाता है? का मालिक ठंडा तो चल नहीं रहा, हालत ऐसी खराब है कि मारने के लिए मक्खियां तक नहीं है और मालिक पने की धौर से मारे हो। अरे तुम्हारे ग्राहक मेरी हिलती हुई टांग देखकर भाग गए कि तुम्हारी मिलावट देखकर? हाँ बेटा बोल ले, जब आदमी का वक्त बुरा होता तो मरे हुए कुत्ते से डर लगता है, तू तो फिर भी जिंदा कुत्ता है। अभी देख वो आदमी, देख वो आदमी कितनी जल्दी अपनी दुकान की तरफ आ रहा है। आज कोई फंसा, बहुत दिनों बाद कोई ग्राहक फंसा। उठ उठ उठ, स्वागतम, खुशामदीद, भले पधारो, आ जाओ मेरे बाप। दुकान पर मत जाइए। अरे भाई साहब कुछ भी खरीद लीजिए, हम दोनों ने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया। ये देखो पेट खाली है। माचिस 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 बीड़ी जलाना है। हमारी दुकान में सब कुछ सस्ता मिलता है। इमली 2 रुपया, मूंग की दाल 3 रुपया, तुअर की दाल 1.5 रुपया, गेहूँ सस्ता, गुड़ और मुफ्त में। ये भी रखो पैसे बाद में। कोई जरूर नहीं, जल्दी नहीं जल्दी नहीं, पैसे बाद में। कुछ भी कुछ भी ले लो, उधार भी मिलेगा। अरे छोले, अबे कुछ तो ले जा। ये आया मांगा जलाया फूका और चल दिया हरामखोर। अगर यही हाल रहा तो इस दुकान को बंद करके दूसरे किसी गांव में हमको भीख मांगने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव में तो हमको भीख भी नहीं मिलेगी। और सुनिए सेठ जी, ये जो जेवर आपने पहन रखा है ना, इसको गिरवी रखने की नौबत आने वाली है। अच्छा ये बताइए, ये सोना तो असली है कि इसमें भी मिलावट है? अबे तू चुप कर, नहीं तो मार मार के तेरा मुंह चट्टा की तरह चपटा कर दूंगा। देखो सेठ, मुंह संभाल कर बात करो, पगार तो देते नहीं हो, धौंस देते हो। अरे आज तुम सेठ हो मगर तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम थोड़े दिनों में कर्जदार बनने वाले हो, उसके बाद नौकर बन जाओगे। मेरा क्या है, मैं तो नौकर था, नौकर हूँ और नौकर ही रहूंगा। मेरे लिए 50 दरवाजे खुले हैं, तुम्हारे लिए तो खुद का दरवाजा बंद हो गया है। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, मुझे तुम्हारी नौकरी की जरूरत नहीं। और सहकारी दुकान वाले, तुमको एक पुड़िया बांधने वाले की जरूरत है ना, मैं आया। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। देखो अरे बैठो मालिक बैठो, नाराज हो गए क्या? लो, लो। आ लक्ष्मी बहन, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। माफ करना बहन, घर में काम ज्यादा था इसलिए जरा देर हो गई। अच्छा अच्छा, तो गांव की सारी मूर्ख औरतें इनका इंतजार कर रही थी। देखो माँ, इसे कहते हैं बड़े घर की बहू, बच्चे को तोहफा देने के लिए सोने की चेन लेकर आई है, और एक तुम हो कि खाली हाथ हिलाती चली आई। कौन खाली हाथ हिलाते चलाया, ये देख क्या लाई है। अरे रे रे, इतना भयानक खिलौना देखकर मुझे डर लग रहा है, बच्चे का न जाने क्या हाल होगा। तू चुप कर राधा, तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती, देने वाले का हाथ देखा जाता है। ये तोहफा बच्चे के लिए शुभ है, क्योंकि मैं अपने शुभ हाथों से दे रही हूँ। मैं बच्चा जन्म चुकी हूँ, माँ हूँ, लेकिन कोई बांज औरत अगर बच्चे को तोहफे में सोना चांदी हीरा मोती दे दे तो वो बच्चे के लिए अशुभ होता है। माँ, ऐसे शुभ अवसर पर ऐसी अशुभ बातें क्यों करती हूँ? जिस औरत को शादी के 5 साल बाद भी बच्चा ना हुआ हो उसे बांज नहीं तो और क्या कहते हैं? माँ भगवान के लिए चुप हो जा, ऐसी गंदी बातें मत करो। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी, बांज बांज। अरे ये क्या हो गया?
मैंने तो मजाक किया था, ये तो उल्टा ही हो गया। रवि रवि मुझे डर लग रहा है। रवि तुम्हारा दिल धड़क रहा है कि नहीं? रवि आंखें खोलो रवि। क्या तुम मुझे डरा रहे थे? धोखेबाज मकान 420 मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या ललिता? हे भगवान, ललिता और वो हरामजादा, सुनते हो जी? अरे हाँ सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। अरे जीजा जी, आप सिर्फ बहरे नहीं गूंगे भी है, बुजदिल है, डरपोक है, यानी कि बिल्कुल नकम्मे हैं आप। कमश, मैं मार खाए आदमी से गालियां नहीं सुन सकता। अरे गालियां क्या, अब तो तुम्हारे भी पिटने के दिन आ गए हैं जीजा जी। उन सब भक्तों ने जबरदस्ती मेरे बेटे की शादी करवा डाली, आपकी दुकान बंद करवा दी। अब वही नीच रवि आपकी बेटी ललिता को प्रेम के जाल में फंसा रहा है, ताकि अपनी बची हुई इज्जत का यानी के यानी के यानी के जनाजा निकल जाए। कितना यानी के जनाजा निकल जाए। तुम हंस रहे हो और हम सब गुस्से में जल के कोयला हो रहे हैं। तुम कोयले की तरह जलती रहो और मैं उस कोयले पर अपनी चक्कर का खाना पकाऊंगा, और ऐसा खाना पकाऊंगा कि जो कोई खाएगा वो चकरा के गिर जाएगा। मेवालाल आया बापू, आया आया आया। तू मेरा सच्चा वफादार नौकर है। क्या खुशखबरी लाया है, इसी बात पे 100 रुपया इनाम। आप और इनाम? या तो आप पागल हो गए हा? या फिर ये वो नहीं है, कोई दूसरा आदमी है, या फिर ये पैसे नकली है। असली है। सुन, अगर तूने मेरी इन खूबसूरत बैल जैसी आंखों को वो दृश्य दिखा दिया तो मैं चूम चूम के तेरा मुंह गीला कर दूंगा। नहीं। और 2.5 रुपए इनाम में भी दूंगा। 2.5 रुपए? जा ऐश कर। भाभी, भाभी। क्या बात है रवि? भाभी वो बात ये है कि। क्या है बोलो ना। भाभी वो क्या है कि मैं कुछ बोलोगे या बकरे की तरह मैं करते जाओगे? कुछ खास बात है क्या? हाँ भाभी, खास बात तो है। वो क्या कि मैं एक लड़की से ना वो करता हूँ प्रेम। ये कोई नई बात थोड़ी है जी। हाँ, ये उम्र ही ऐसी है। इस उम्र में लड़के या तो किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं या किसी से प्रेम करते हैं। अच्छा बताओ वो लड़की कौन है? अपने गांव की लड़की है, मिलावट राम जी की बेटी। ओ, उनकी बेटी? क्यों, क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, बिल्कुल सीधे साधे जबान में कहूँ, उस घर से हमारा रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा। भूल जाओ उस लड़के को और जाकर अपना काम करो। भाभी मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैं तो ये सोचकर आया था आप अगर भैया से कहेंगी तो भैया कभी इनकार नहीं करेंगे, और इसी विश्वास पर। मुझ पर विश्वास है ना? हाँ भाभी। इसी तरह जब मुझे भी विश्वास होता है कि जो बात तुम्हारे भैया सुनकर इनकार नहीं करेंगे, मैं उनसे वही बात कहती हूँ। और थोड़ी देर के लिए मान लो अगर ये बात मैं जाकर उनसे कह दूँ तो सबसे पहले वो मेरी खबर लेंगे, बाद में तुम्हारी। भाभी। हाँ रवि, और तुम जाकर उस लड़के से कहो ये नामुमकिन है, और मैं जानती हूँ वो लड़की अच्छी है, लेकिन उसका खानदान कैसा है क्या है मुझसे ज्यादा तुम जानते हो। अरे मैं रोने वाली बात कर रहा हूँ, तुम हंस रही हो। हंस नहीं तो और क्या करूँ। श्रीमान जी, अभी तो सिर्फ तुम्हारे भाभी ने शादी से इनकार कर दी है। तो इतनी सी बात पर घबरा गए? अरे आगे आगे देखो होता है क्या। अब तुम्हारे भैया को पता चलेगा, वो कहेंगे रवि मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। फिर मेरे बापू सुनेंगे, वो एटम बम की तरह फट जाएंगे, बोलेंगे बंदर लेखा तूने किस पाप के घड़े को जन्म दिया। फिर गांव में बात फैलेगी, घर घर में कानाफूसी होगी, पंचायत बैठेगी, बहुत हंगामा होगा, तब जाकर कहीं हमारी शादी होगी। इतना सब कुछ फट जाने के बाद भी हमारी शादी होगी? माफ करना गुरु, देवलोक में जरा मिस्टेक हो गई है। क्या? तुम्हें लड़की होना चाहिए था, लड़का बना दिया। होगी होगी जरूर होगी। सेठ जी कौन? अरे क्या करता है? अरे बंदा हो गया क्या? अरे मेरी हिम्मत, मेरी पपी ले रहा है यार। 2.5 रुपए? अरे क्या कर रहा है? मेरी इज्जत को सूखे धनिये की तरह कुचल कुचल कर बदनाम कर रहा है। अरे बाबा चिल्लाओ मत। अरे क्या चिल्लाओ मत, ये हराम तो कर।
जादू, मेरी बेटी को बाप की तिजोरी समझ के चिमटा हुआ है और तुम कहते हो चिल्लाओ मत, मेरा खून सोने की तरह उबल रहा है और आप कहते हो चिल्लाओ मत, मैं चिल्लाऊंगा और चिल्लाऊंगा। अरे ओ चांडाल, अगर ये लोग तुझे कुछ नहीं कहते तो ना सही, मगर मैं अपनी बेटी का तो खून कर सकता हूँ, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके चूटियों को तो खिला सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेटी। पागल हो गए, पागल हो गया हूँ क्योंकि बदनाम हो गया हूँ, मेरी इज्जत पुराने मकान की तरह नीलाम हो गई है। कहाँ गई वो? अच्छा, उसको तो तुमने बचा लिया, मगर मैं अपने आप को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी जान ले डालूंगा। जीजा जी, आपका तो ठीक है, यानी कि मेरा मतलब है मेरी बहन का क्या होगा जो विधवा हो जाएगी। अच्छा तुम मुझे जबरदस्ती रोक रहे हो तो मैं रुक रहा हूँ, लेकिन मेरे मुंह पर जो बदनामी का गोबर फूट गया है, मेरी बेटी ने जो पोत दिया है उसको कौन साफ करेगा? मिलावट राम, चीखना चिल्लाना बेहूदापन है, अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो इंसाफ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तुम्हारी दुकान पे, गांव की पंचायत में। वाह वाह वाह, अच्छा पता बताया इंसाफ के लिए। अरे भाई, जिसका भाई खुद पंचायत का सरपंच हो वो क्या इंसाफ करेगा, यानी कि वो तो इनका पत्ता साफ करेगा। आप लोगों ने अभी विजय को पहचाना नहीं है, इंसाफ करते वक्त तो हर संबंध हर रिश्ते को भूल जाता है। बिल्कुल भूल जाते हैं। ये किसका है? आपका है। अब चलिए हमारे साथ, हम इंसाफ दिलवाएंगे। देखा आपने, इस एक सरकारी भंडार के खुलने से गाँव का कितना भला हो गया, हर घर सुखी हो गया, महंगाई खत्म हो गई, मिलावट खत्म हो गई, और साथ में मिलावट राम भी खत्म हो गया, उसकी इज्जत में बदनामी की झाड़ू फिर गई। यहाँ सहकारी भंडार खोल दिया, वहाँ मेरी बदनामी का भंडार खोल गया। क्या हुआ, क्या बात है? अच्छा मुझसे पूछ रहे हो? मुझसे नहीं बोला जा रहा, मेरे को चक्कर आ रही है, इन लोगों से पूछिए। अरे बोला ना, चुप क्या करो। बात यह है चौधरी जी, इनकी बेटी और अपने गांव का एक लड़का एक दूसरे को चाहते हैं। वाह 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 वाह, क्या अंदाज है बात करने का, इनकी बेटी और गांव का एक लड़का एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अबे सासु क्यों नहीं बताता, इनकी बेटी को उस लड़के ने बहला फुसला कर क्या क्या कर डाला है? अब तो इनकी बेटी को कोई अपने घर के सामने से गुजरने नहीं देगा, यानी कि बहू बनाना तो दूर की बात है। मुझे पहले ये बताइए कि वो लड़का कौन है जिसका इस मामले से संबंध है। अरे नाम सुनोगे तो कलेजा फट के यानी कि कुचले हुए कांच की तरह बिखर कर रह जाएगा। मैं कहता हूँ नाम बताओ। जी वो आपका छोटा भाई है चौधरी साहब। मेरा भाई? क्या आप सबने अपनी आंखों से देखा है? जी हाँ, हमने देखा है। रहीम चाचा, हाँ इस कुर्सी पर बैठिए। मैं आइए बेटे, आइए ना, आइए आइए बेटा। ये मामला मेरे भाई से संबंध रखता है, इसलिए मैं ये कुर्सी छोड़ रहा हूँ। बहुत अच्छे, जब मेरे बेटे की बारी थी उस वक्त कुर्सी पर जम कर बैठे थे, अब अपने भाई की बारी है तो कुर्सी छोड़ कर चले, यानी कि सबको पता लग जाएगा कि तुम कितने बड़े धर्म अधिकारी हो। मैं इस कुर्सी पर बैठकर जो भी फैसला सुनाऊंगा वो लालाजी को मंजूर नहीं होगा। अरे तुम बैठ कर फैसला करो तो सही। मैं उसको कुर्सी से उतारने के चक्कर में तू कुर्सी में बैठा चला जा रहा है। जाइए आप, कुर्सी छोड़ दीजिए। रवि, रवि कहाँ है वो बदतमीज? आज मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। जानती हो उसने क्या किया है? क्या? वो मिलावट राम की बेटी से प्रेम करता है। वो मुझे मालूम है। मालूम है तो फिर तुम चुप क्यों रही, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखिए जितना आप मुझे डांट रही है इससे ज्यादा मैंने उसे डांटा है। फिर भी उसने तुम्हारा कहना नहीं माना, इतना बदतमीज और नाफरमान हो गया है। उसने कोई नाफरमानी नहीं की, ना ही वो बदतमीज है, बल्कि मेरे ही कहने पर ललिता से ये कहने गया था कि ललिता उसे भूल जाए, ये शादी नहीं हो सकती। बस इतने में सारे गांव के लोग जमा हो गए और तमाशा बन गया। और अब ये मामला पंचायत के सामने पहुँच गया है, मैंने कुर्सी छोड़ दी और फैसला रहीम चाचा के हाथ सौंप कर चला आया हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है इसका फैसला आपको ही करना चाहिए। फर्ज करो अगर आप उस लड़के के पिता होते तो क्या करते? इतनी बड़ी बदनामी के बाद उस लड़के को कौन ब्याहेगा? उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई ना। इसमें कसूर न लड़की का है न लड़के का, ये तो उनके उम्र का कसूर है। लेकिन प्रेम करना कोई पाप तो नहीं है, कोई जुर्म तो नहीं है। अब इन दोनों की गलतियों को सुधारने का एक ही तरीका है कि दोनों की शादी कर दी जाए। और मैं चाहूंगी इस शादी का ऐलान आप खुद करें, रवि के बड़ा भाई होने की हैसियत से नहीं, इससे पहले कि पंचायत के लोग अपना फैसला सुनाए। मैं चाहूंगी मेरे पति खुद जाकर अपना फैसला सुना दे। मुझे बेटे पंचायत ने अपना फैसला कर दिया है।
मुझे पंचायत का फैसला मंजूर है, मैं इस शादी के लिए इजाजत देता हूँ। सुभान अल्लाह बेटे, जब तक तुम जैसे लोग इस सरजमी पर रहेंगे, इज्जत और इंसाफ का सर हमेशा ऊंचा रहेगा। आके बेटे तुमने क्या इंसाफ किया? जी यानी कि अभी तो आधा इंसाफ हुआ है, पूरा इंसाफ तो जीजा जी के घर जाकर होगा। पहले वो लेन देन की बातें, कुछ शर्तें वगैरह तो तय हो जाए। क्यों जी? अगर कुछ शर्तें हैं, कुछ लेने देने की बातें हैं, तो क्यों ना यहीं पर तय हो जाए। आइए अंदर आइए। नहीं 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 नहीं, मेरे साले जी बिल्कुल सही चक्कर चला रहे हैं। इन्होंने जिंदगी में पहली मरतबा अकल की बात कही है। इस प्रेम के नाटक की वजह से मेरी इज्जत चोरी के माल की तरह नीलाम हो गई थी। उस खोई हुई इज्जत को दोबारा पाने के लिए अब लड़के वालों को चक्कर चलाना पड़ेगा। मेरे घर आकर मुझसे बात करनी पड़ेगी, तब जाकर बात के पतीले में नमक पड़ेगा। मैं अपने छोटे भाई की खुशी के लिए आपके घर तो क्या बीच सड़क पर बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि सारा गांव जानता है कि विजय और रवि सगे भाई नहीं सौतेले हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि उन दोनों में बराबर बराबर जायदाद का बंटवारा हो जाए। खबरदार मिला बटराम, कभी भूलकर हम दोनों भाइयों के बीच सौतेले शब्द का इस्तेमाल किया तो। हम दोनों भाई हैं सिर्फ भाई, हमारा रिश्ता सगे और सौतेले की बंदिशों से बहुत दूर है। तुमने हमें घर बुलाकर गाली दी। हमारा घर एक मंदिर है और मंदिर में पूजा होती है, बंटवारा नहीं। अगर ऐसा है तो मेरी बेटी से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तो भी ठीक है, अगर इस शादी के लिए बंटवारा शर्त है तो मुझे ये शर्त मंजूर है। भैया क्या कह रहे हैं आप, ये नामुमकिन है। हमारे शरीर से आत्माएं अलग हो सकती है, हमसे हमारी परछाई जुदा हो सकती है, मगर हम दोनों भाई एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। भैया देखो रवि, दिल और आत्मा वो जायदाद है जो हमें हमारे पिता ने दी है, उसका बंटवारा ये दुनिया वाले नहीं कर सकते। लेकिन तुमने इस परिवार की लड़की को पसंद किया है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनकी पसंद या नापसंद का ध्यान रखो, उनकी खुशी का ध्यान रखना भी तुम्हारा फर्ज है। विजय बेटा तुम सचमुच महान हो, ऐसा लगता है तुम्हारे मुंह से गीता के श्लोक सुन रहा हूँ। तुमने जो इंसाफ किया वो दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालत नहीं कर सकती है। रवि जीजा जी यानी कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें सरपंच जी का फैसला और अपने बड़े भाई की बात यानी कि मान लेनी चाहिए। अगर ये सरपंच का फैसला है तो मैं इस फैसले को नहीं मानता और शादी से इनकार करता हूँ। ये अपना अकेले का फैसला सुनाकर कहाँ जा रहे हो, मेरा फैसला भी सुनते जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? हम दोनों ने प्रेम एक साथ किया, शादी का फैसला भी एक साथ किया। अगर हम दोनों ये फैसले एक साथ कर सकते हैं तो ये फैसला भी हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। हम दोनों का फैसला सुनिए, अगर ये बंटवारा हुआ तो हम दोनों इस शादी से इनकार करते हैं। कौन कहता है कि शैतान के घर फरिश्ता पैदा नहीं होता, मिसाल हमारे सामने है। खैर भाइयों, जब लड़का लड़की बगैर किसी बंटवारे के बगैर किसी शर्त के शादी करना चाहते हैं तो मैं पंचायत की तरफ से शादी के लिए इजाजत देता हूँ। क्यों भाइयों? लेकिन नहीं भाई, यानी कि ये फैसला तो हमारे खिलाफ हुआ ना। क्यों जीजा जी? कौन जीजा जी? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। जो आदमी पंचायत के फैसले को नहीं मानता मैं उसको नहीं पहचानता। मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं आने वाला। पंचायत के फैसले में परमेश्वर होता है और मैं परमेश्वर के फैसले को कबूल करता हूँ। ये शादी होगी, अवश्य होगी भाई। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलम तनोहरि। ओम सूर्यो देवता नमस्वाहा, ओम चंद्रो देवता नमस्वाहा, ओम बुद्धो देवता नमस्वाहा। ओम येन येतं भूतं भुवतं भविष्यतं गहितां येन यज्ञस्य तायते सप्त होतायत। चौपन, दो सौ छह, चोरी के चक्कर में तुम्हारे बाप को इतने चक्कर पड़े थे कि बेचारा चकरा के वहीं मर गया, और तुम्हों की शर्म नहीं आ रही तुमको? ये मिठाई में क्या चक्कर चला रही हो? अरे आजकल अपनी दुकान बंद है ना, ये सारी चीजें असली घी की बनी हुई है, ये सारी घर ले जाऊंगी और चखूंगी और बाद में बताऊंगी कि कौन सी मिठाई का क्या दाम है। अरे कुछ विचार कर बेशर्मी के आचार, अगर किसी ने देख लिया तो क्या बोलेगा? 135। अरे कुछ शर्म है कि नहीं? अरे मेरी बेटी की नई नई शादी हुई है, उसके कान में दो अकलमंदी के शब्द टपका दूं कि नहीं? तो जो कोई टपकाना जल्दी से टपका ले, अगर कोई और आके टपक गया तो ऐसे फटकेगा कि फट जाएगी गोनी की तरह। अरे ललिता ललिता, हटो यहाँ से। देख बेटी अब हम जा रहे हैं, तेरा ब्याह कर दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब तेरा पति तेरा परमेश्वर। हंस रहा है? क्यों हंस रहा है?
क्या कहा आपने? इसका पति है इसका परमेश्वर। अगर ये अपने पति को परमेश्वर मानने वाली भी होती तो आपके मुंह से सुनकर कभी नहीं मानती। वो देखिए आपके परमेश्वर बड़े कोने में, क्या हालत बना दी आपने। हाँ बेटी बैठ, मैं जो नसीहत करने जा रही हूँ वो ध्यान से सुन। किसी बात पर समझौता मत करना। वो तेरी ढोंगन सती सावित्री जेठानी अगर कहे क्यों तो कहना क्यों रे, अगर वो कहे यहाँ आओ तो तू कहना क्यों आओ, तेरे पैरों में कांटे चुभे हैं क्या? बात बात पर झगड़ते रहना, हर बात का उल्टा जवाब देना। तुम दोनों के झगड़े से तंग आकर विजय अलग घर बसा लेगा। अच्छा ये बता, जब अलग घर बस जाएगा तो घर कैसे चलाएगी? कैसे चलाऊं माँ? अरे यही तो समझाने आई हूँ, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दे। कैसे माँ? एक तरकीब बताती हूँ, ध्यान से सुन। मैं तुझे एक टोकरी में लकड़ियाँ भर के भेजूंगी, तू उस टोकरी में चांदी की कटोरियाँ भर के भेज देना। मैं तुझे एक बर्तन में दाल भेजूंगी, तू उसी बर्तन में सोने की अंगूठी डालकर भेज देना। बस माँ बस, तुमने जितनी बातें मुझे समझाई है, अगर हर माँ अपनी बेटी को ससुराल विदा करते समय समझा दिया करे और बेटी उन पर अमल करे तो मेरा ख्याल है ये संसार कब का नर्क बन चुका होता। तुम वो बीमारी हो जिसका कोई इलाज नहीं, तुम्हारी परछाई पड़ जाए तो गीली लकड़ी में आग लग जाए। एक और बात कह देती हूँ, कान खोल कर सुन लीजिए। पिताजी यहाँ आइए, आज के बाद यही मेरा घर है, इस घर के सुख दुख सभी मेरे, इस घर का दुश्मन मेरा दुश्मन, समझ गए? आज की बात हो सके तो मुझे भूल जाने की कोशिश करना, और फिर भी मुझसे मिलने का दिल करे तो किसी से कहलवा भेजना, मैं खुद चली आऊंगी, आप लोगों में से यहाँ कोई नहीं आएगा, सुन लिया? अब उठाओ इन मिठाइयों को और चलते बनो। बेटी ने क्या कस कस के जूते मारे हैं, शकल जूते जैसी हो गई है। अब कलेजे में ठंडक पड़ गई या कोई और चक्कर चलाना बाकी है? देखो जी मेरा दिमाग खराब है, मेरे मुंह न लगना। सेठ जी बुरा न मानिएगा, ये आप ही की बेटी है या क्या बंदर लेखा, ये सचमुच मेरी बेटी है या कोई चक्कर? ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारू मी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।